ये मेरे ख्याल से पहली लॉन्च है जिधर वेटिंग लिस्ट है एक्चुअली। ये आप डिपार्चर टर्मिनल देख सकते हैं, सब अपने फ्लाइट की वेट कर रहे हैं। जितने भी क्रेडिट कार्ड्स मेरे पास हैं, एक भी क्रेडिट कार्ड्स लाइक एलिजिबल नहीं है लॉन्च के लिए। तो ये अपनी बोर्डिंग हो गई है, अराउंड 11:30 को बोर्डिंग स्टार्ट हुआ। ये बहुत डिफरेंट ही दिख रहा है भाई। इधर देखिए अराइवल के पास बैठने का क्या मस्त बनाया है। तो क्या हाल है आप लोग का, स्वागत है एक और व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि व्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आ गया है एक और नया फ्लाइट का व्लॉग। ये आके लखनऊ टू बैंगलोर फ्लाइट जर्नी रहने वाला है। एक्चुअली इसका पार्ट वन भी आया है, पार्ट वन आके दिल्ली से लखनऊ तक था। तो आप अगर देखे नहीं है तो जाके देख लीजिएगा, उसमें पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में। अगर पसंद आएगा तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वो वीडियो पसंद आएगा तो। और ये भी तो आएगा इस, वहाँ से अराइवल के बाद डिपार्चर में आया हूँ। पता नहीं पहली बार मेरे को छोटा लग रहा है लखनऊ एयरपोर्ट, पहले भी आया हूँ। देखते हैं, फिलहाल मेरे को जाके लॉन्च ढूंढना है, देखना है लॉन्च किधर है। पहले लॉन्च ढूंढते हैं फिर वहाँ जाके बातें करते हैं। आप मेरे पीछे लॉन्च देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से पहली लॉन्च है जिधर वेटिंग लिस्ट है एक्चुअली। इतने सारे एयरपोर्ट में गया हूँ, बैंगलोर, दिल्ली, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद और भी सारे लाइक अपना ये लखनऊ में तो लॉन्च यूज़ किया नहीं था, और अपना हो गया और भी सारे हैं जहाँ जा गया हूँ, लेकिन ये पहली लॉन्च है जहाँ वेटिंग लिस्ट है। जैसे अपन होटल में जाते हैं तो सीट नहीं मिलता है तो नाम लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी सेम कर रहा है, लाइक सीट एम्प्टी नहीं है तो नाम लिख के रख रहा है। भाई इतना बड़ा एयरपोर्ट है, लॉन्च भी बड़ा बना लिए थे, एक नहीं दो लॉन्च बना लिए होते। ये देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, नाम दिए हैं, नंबर दिए हैं, देखना कब तक आता है अपना नंबर नाम कुछ भी जो, लाइक सीरियसली ये सुन के मेरे को हंसी आ रहा है, बहुत हंसी आ रहा है कि लॉन्च के लिए वेटिंग है। ये हैदराबाद में कितना भी पब्लिक था लॉन्च के अंदर एंट्री दे रहे थे, बैंगलोर में भी कितना भी पब्लिक रहेगा लॉन्च के अंदर एंट्री देंगे, क्योंकि बैंगलोर में मैं इंटरनेशनल लॉन्च में गया था, फिर मुंबई एयरपोर्ट में मैं भूल गया, मुंबई में भी ऐसा वेटिंग टाइम कुछ रहता नहीं है। उधर मैं एक बार गया था लेकिन उसका वीडियो बनाया नहीं हूँ लॉन्च का, लेकिन ये पहला लॉन्च है। ये देखिए द लॉन्च गेट नंबर एक बगल में है कुछ, द लॉन्च इधर, पता नहीं मेरा नंबर वह कौन सा है उसमें बस लिख के आ गया हो। अभी देखते हैं कब अंदर ये लोग छोड़ते हैं। ओ भाई दिस इज समथिंग फनी। मैंने आपको लॉन्च के बारे में बताया, एक और गुड न्यूज़ बता देता हूँ। जितने भी क्रेडिट कार्ड्स मेरे पास हैं, एक भी क्रेडिट कार्ड्स लाइक एलिजिबल नहीं है लॉन्च के लिए। ये पता नहीं कौन सा लॉन्च है, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है, लाइक एक्सेप्टेड नहीं है, फिर उसके बाद कोटक का एक्सेप्टेड नहीं है, कोटक का डेबिट क्रेडिट दोनों एक्सेप्टेड नहीं है। भाई समझ नहीं आ रहा है क्या है। इसके बाद अभी कुछ कोई ऑप्शन नहीं है, अभी अपन जाते हैं बाहर, बाहर ही जाके खाते हैं बर्गर वर्गर खा के अभी पेट भरते हैं। ये आप डिपार्चर टर्मिनल देख सकते हैं, सब अपने फ्लाइट की वेट कर रहे हैं इस तरफ। और मेरे को एक्चुअली जब पहले मैं आया था ना, लाइक एक साल पहले बैंगलोर टू लखनऊ और वहाँ से लखनऊ से गोरखपुर बस में गया था, मेरे को लगा अच्छा खासा बड़ा एयरपोर्ट है, बट अभी देख के लग रहा कि बड़ा एयरपोर्ट नहीं है भाई, अच्छा खासा छोटा ही है। डिसअपॉइंटमेंट्स। तो ये फिलहाल अपने को लॉन्च में एक्सेस मिल गया, ये आप देख सकते हैं पास। एक्चुअली जो जो बड़े कार्ड थे ना कोई भी नहीं चला, एक्सेस, कोटक, HDFC कुछ भी नहीं चला। फिर मेरे पास एक इंडियन डेबिट कार्ड था, क्योंकि वो प्लैटिनम रुपे कार्ड था इसलिए चल गया, तो अपना ठीक था, अपना एक नसीब था। लास्ट में वो चेक करवाया कि चेक कर लीजिए कार्ड चलेगा कि नहीं, तो चेक किए, फिर अपना टर्न आया तो गए अपन। अभी जाते हैं भोजन वोजन करते हैं, क्योंकि दिल्ली से कुछ भी नहीं खाए थे, अभी जाके इधर खाते हैं। तो ये आप लॉन्च का खाना देख सकते हैं, इधर अपना अंडा करी है, फिर कुछ पनीर का सब्जी है, फिर उधर राजमा है, फिर अपना वाइट राइस, फिर खीर है, पराठा है। इधर सेम अपने क्या बोलते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट जैसा ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इससे ज़्यादा ऑप्शन हैदराबाद एयरपोर्ट में था। तो अभी खाना लेते हैं, जाके दबाते हैं। ये लॉन्च जैसा खाना अपन ला चुके हैं, पराठा है, पनीर है, अंडा करी है। तो अभी एक काम करते हैं, पूरा इत्मीनान से मैं खाता हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगा है। खा के पूरा इसके बाद दिखाऊंगा नहीं क्या खाने जा रहा हूँ, खा के पूरा जब अपन खा लेंगे पेट भर जाएगा तब आपसे बात करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सब डिवाइस चार्ज में डालने जा रहा हूँ। ये अपना लॉन्च में खाना खा के हो गया, टाइम अप्रॉक्सीमेटली 10:14 हो गया है। लॉन्च का खाना बोलो तो खाना टेस्ट में बढ़िया था, बस एक ही बात था कि वैरायटीज नहीं था, और लॉन्च में जाने से पहले आधा घंटा वेट करना पड़ गया। और कार्ड्स का तो आपको बता ही दिया हूँ कौन सा कार्ड चला कौन सा नहीं चला, जो लीस्ट एक्सपेक्टेड था वो कार्ड चल गया था,
अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट खाली हो गया है। जैसे 7 बजे 6 बजे भीड़ था लखनऊ एयरपोर्ट में, वैसा नहीं है। और इधर गेट 1 2 3 इधर है अपना, आके गेट नंबर 4 पे आने वाला है। और बोलने जाओ तो टाइमिंग 11:30 बजे है लखनऊ से बैंगलोर के लिए। 11:30 बजे उड़ेगी तो 2:00 कुछ मिनट पे उतार देगी, अराउंड 2.5 आवर्स 2 आवर्स 40 मिनट्स। लेट्स सी कितना समय लेता है। यही था लखनऊ एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस। लॉन्च का एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार रहा इनिशियल में, लाइक स्टार्टिंग में जब इतना देर वेटिंग करना पड़ा, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स से ऊपर ही था। मैंने बोला 30 मिनट्स लेकिन 30 मिनट्स से ऊपर ही था, और बहुत जन वेट किए एक्चुअली। अभी तो फिलहाल खाली हो गया है, यही अपना लॉन्च था। अंदर यार दिखाया नहीं क्योंकि अंदर सब लोग खाना खा रहे थे, खा के क्या फ़ायदा है। तो अभी जाते हैं अपन गेट के पास, फिर वेट करते हैं अपने फ्लाइट का। तो ये फ़िलहाल हमारे बैंगलोर फ्लाइट की गेट ओपन हो गई है, गेट नंबर 4, लेकिन बोर्डिंग अभी चालू नहीं हुआ है। आपको एक्चुअली एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोर्डिंग टिकट दिखाना, लाइक बोर्डिंग पास दिखाना भूल गया था। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखता है। ये अपनी बोर्डिंग हो गई है, अराउंड 11:30 को बोर्डिंग स्टार्ट हुआ और अपन अंदर आ चुके हैं, अभी फ़्लाइट में जा रहे हैं। चलिए फ़्लाइट नंबर जान लेते हैं। फ़्लाइट नंबर है I-5-1732, फ़्लाइट टाइप है एयरबस A320 और सीटिंग कैपेसिटी 180। जो अपन दिल्ली से लखनऊ आए वो बोइंग था, बोइंग 737 MAX 8। ये अपना एयरबस है, देखते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस का एयरबस कैसा रहता है और इसका स्पेस अब देखते हैं। लेग रूम, मेन लेग रूम है मेरे लिए, देखते हो कैसा रहता है। और फिर से सीट आके अपने को आइल ही मिला है, पुनः ऑटो सेलेक्ट कर लिए, ज़्यादा कुछ करना क्या है भाई, देखते हैं अभी इसका कैसा रहता है। फिलहाल हम आ गए हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के एयरबस एयरक्राफ्ट में। ये बहुत डिफरेंट ही दिख रहा है भाई, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट बोइंग के मुकाबले। पहले कंफर्टेबली सो जाते, कंफर्टेबली बैठ जाते हैं फिर बातें करते हैं। जो ये अपनी एयरक्राफ्ट है ना I-5-1732, ये मेरे ख्याल से एयर एशिया का फ्लाइट ले लिए हैं। एयर एशिया वाले पे कलर मार दिया एयर इंडिया एक्सप्रेस का। दिस इज़ नॉट न्यू एक्चुअली, ये पुराना एयरक्राफ्ट है जो दिल्ली से लखनऊ वाला दिखाया था मैंने, दैट वॉज ब्रांड न्यू बोइंग 737 MAX फ्लाइट। एक्चुअली दिस इज़ नॉट न्यू फ्लाइट, ये पुराना ही है। इसका दिखाता हूँ, एक्सप्रेस इज़ लाइक ओके, और सब फीचर्स में बताता हूँ क्या क्या है। चलिए फ़्लाइट उड़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत इसका स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, लाइक क्या क्या प्रोवाइड करता है एक सीट को, लाइक एयरबस A320 जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की है, ऑलमोस्ट एयर एशिया ऐसी ही है। तो ये आप देख सकते हैं लेग रूम ठीक ठाक है, अपन 6 फीट है तो ठीक ठाक है। अनलाइक बोइंग मैक्स 737-8 के जैसे, इसमें सिर्फ एक मैगजीन होल्डर है, उसमें 3-4 थे, और फिर नो मोबाइल होल्डर, मोबाइल होल्डर नहीं है। फिर आपको ये फूड ट्रे मिल जाएगा जो एडजस्टेबल है, बस और कुछ नहीं। नो कप होल्डर्स, नो हैंगर्स, कुछ नहीं। फिर इधर आपको कार्ड्स मिल जाएगा, गवर्नमेंट कार्ड्स जो फूड रहता है। ये एक्चुअली पिछली फ़्लाइट में मैंने दिखाया तो इस फ्लाइट में दिखाता हूँ आपको। और फिर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, और अगर उल्टी हुआ तो कर लो उसमें, बस इतना ही है इसमें, नथिंग एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली 11:45 को हम लोग किक ऑफ कर चुके हैं टैक्सी स्टैंड से, अब सीधे रनवे की ओर। एग्जैक्ट 11:45 को ही निकले हैं अपन। चलिए अब आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस का मेन्यू कार्ड दिखाते हैं। ये प्री बुक मील्स है ये सब जितने भी हैं, और ये तो कुछ लिखा है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन या कुछ। ये इधर आप देख सकते हैं पिक एनी एट 500, ये 500 का है। फिर इधर देख सकते हैं हेल्दी बाइट्स, पिक एनी 200, कुछ भी ले लीजिए, कैशू बादाम कुछ भी, इसमें से एक लेंगे 200 पड़ेगा। फिर इस तरफ अपना मैगी कप नूडल आ गया, मैगी 70 ग्राम 300 रुपया। फिर इस तरफ पिक एनी एट 3, उपमा है, वेज बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, एनीथिंग एट 300। बोलने जाऊँ तो दूसरे फ्लाइट के मुकाबले, दूसरे एयरलाइंस के मुकाबले ऑप्शंस थोड़े बहुत ज़्यादा हैं और प्राइस भी कंपैरेटिवली ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे।
मैं पहुंच गया नम्मावूरु बेंगलुरु नवाबुकेशे लखनऊ से डायरेक्ट नम्मावूरु बेंगलुरु। फिलहाल मैं हूँ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 में और यहाँ पर आ गए अपन अपना बैगेज कलेक्ट करने बेल्ट नंबर 8 से। और फ्लाइट के बारे में बोलूँ तो फ्लाइट बैंग ऑन टाइम था और आई गेस यहाँ पर एयर एशिया का क्राफ्ट ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेरे को एयर इंडिया एक्सप्रेस का एयरक्राफ्ट दिखा नहीं जो वहाँ पर दिल्ली टू लखनऊ यूज़ किए थे। उसका कलरिंग वलरिंग सब दूसरा था, एकदम प्रॉपर था, एक्स और ऑरेंज था उसमें, लाइक ऑरेंज शेड था सब था इसमें। प्रॉपर एयर एशिया का ही एयरक्राफ्ट था, मैं देख के ही बोल दिया, लेकिन एयर एशिया लिखा नहीं था, बस इतना ही डिफरेंस था। आई गेस दोनों के लिए यूज़ करते होंगे ताकि डिफरेंस लोगों को मालूम चले ना। लेकिन फ्लाइट का एक्सपीरियंस बोलूँ तो ठीक था। इसके यहाँ प्रेशर कुछ ज़्यादा ही पड़ गया था अंदर, कान ज़्यादा ही दुखने लगा फिलहाल तो। तो अभी यही बेल्ट नंबर 8 के पास बैगेज लेने आए हैं और आपको मालूम है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 कैसा दिखता है, एकदम लाजवाब भाई। अभी दिखाता हूँ, पहले बैगेज लेता हूँ फिर आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ इधर का। अपन ने अपना बैग कलेक्ट कर लिया, मैंने दिल्ली में ही एक्चुअली चेक इन बैगेज में डाल दिया था, यही था, कहाँ कहाँ कैरी करके ले गया था इसलिए सोचा डाल ही देता हूँ। ये हैंड बैगेज में भी लेके आ सकता था। चलिए आप थोड़ा देख लीजिए अराइवल का सीन। ये एक्चुअली ना बैंगलोर एयरपोर्ट जो है ना, और डिपार्चर में ज़्यादातर पिलर बैम्बू के हैं, इधर नॉर्मल कॉन्क्रीट के ही पिलर्स हैं अराइवल में। डिपार्चर में बहुत सारे पिलर्स आके, बहुत सारे क्या, सब पिलर्स आके इसके ही हैं, बैम्बू के ही है। फिर उसके बाद बात करूँ तो अभी बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा, ये नया टर्मिनल का यही एक है, चल के ज़्यादा जाना पड़ता है। तो जाते हैं, एग्ज़िट लेते हैं और एक मेजर डिफरेंस बताता हूँ जो एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया के दोनों के बीच में है। तो आगे बताते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा ये दीवार पूरा ईटा ईट से बना है, लाइक ईटा रेड ब्रिक जो बोलते हैं उससे। निकलते हैं विकास की ओर। ये देखिए बैंगलोर एयरपोर्ट अराइवल कैसा दिख रहा है। पहले अंडर कंस्ट्रक्शन था जब पिछली बार एक बार मैं आया था, अभी फुल ऑन भाई एकदम चालू। इधर देखिए अराइवल के पास बैठने का क्या मस्त बनाया है और सामने भी क्या मस्त बनाया है भाई बंदे ने। लाइक बैंगलोर एयरपोर्ट तो हमेशा दिल्ली जीत लेता है, स्पेशली टर्मिनल 2 एकदम गजब। ये मैं बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के ओला और उबर स्टैंड के पास आगे खड़ा हूँ। यहाँ पर भी टैक्सी की किल्लत है, टैक्सी नहीं मिल रहा है, जो स्पेशली उबर रहता है। एक्चुअली हमेशा का हो गया है, टर्मिनल 1 पे भी नहीं मिलता है, टर्मिनल 2 पे भी नहीं मिलता है, स्पेशली उबर को। तो फिलहाल मैं बोल रहा था एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया का डिफरेंस, जो मैं दिल्ली से लखनऊ किया एयर इंडिया एक्सप्रेस का, उसमें कैबिन क्रू जो थे दे वर नॉट प्रॉपरली बिहेविंग, लाइक उनको कुछ मतलब ही नहीं था। लेकिन और उनका ड्रेस कोड भी दूसरा था, क्रू मेंबर के जो हेड थे उन्होंने साड़ी पहना था और जो बाकी क्रू मेंबर थे उन्होंने चूड़ीदार पहना था, ऊपर से एक ब्लेजर पहना था, ये एक था। और फिर जिस फ्लाइट में अभी आया लखनऊ टू बैंगलोर, तो ये एयर एशिया का ही फ्लाइट था बोल सकता हूँ मैं। इसमें जो हेड था, लाइक ही वॉज अ बॉय, तो ही वॉज वेयरिंग लाइक सूट, पता नहीं क्या पहना था, वो सूट ही पहना था। फिर गर्ल जो नॉर्मली एयर एशिया में ड्रेस कोड था वो था, तो उधर से डिफरेंस से मालूम चल जाता है कि एयर एशिया कौन सा है और एयर इंडिया एक्सप्रेस कौन सा है। आई गेस ऐसे ही काट रहे हैं सबका, एयर एशिया फ्लाइट में एयर इंडिया एक्सप्रेस को पैसेंजर को भेज दे रहे हैं, पता नहीं कि मे भी एयरक्राफ्ट कम होंगे। लेकिन वो वाला जो दिल्ली टू लखनऊ था भाई, गजब था वो, क्या क्या सीट्स थे उसके और क्या कंफर्टेबल था वो राइड, बहुत कंफर्टेबल था। सिर्फ कैबिन क्रू सही से नहीं बिहेव किए थे एक्चुअली। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही था जो लखनऊ से यहाँ तक बैंगलोर तक था। लखनऊ से अराउंड 11:55 उड़े अपन और यहाँ पर 2:25 को आके पहुँच गए, तो 10 मिनट पहले ही अपना अराइवल हो गया था यहाँ पर। बस इतना ही था इस जर्नी में लखनऊ टू बैंगलोर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपको मालूम है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जो पसंद आया नापसंद आया उसको कमेंट करना है, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना है। इसके अलावा फ़िलहाल फ्लाइट जर्नी पर आई गेस ब्रेक होगा, अभी इसके बाद अपन ट्रेन जर्नी लाएंगे। फ्लाइट जर्नी बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लाइट जर्नी हो गया बैक टू बैक।
अब ट्रेन जल्दी लाने का कोशिश करेंगे। चलिए इसके साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ क्या, अलविदा।